जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति। आज हम लोग NTUGC नेट का इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर 19, दैट इज कंटेम्प्रेरी पीरियड, जो कि पोस्ट 1945 के दौरान हुआ था, इसका हम सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए आपको, जो कि UGC नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आज से चलिए सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एग्जाम ज्योति को, देन सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बोलिए, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उन सबको कहिए, अगर उन्हें UGC नेट देना है देन वो भी सब्सक्राइब करें और चैनल को देखें, वीडियोस को देखें। ओके, और हमारे वीडियोस को फॉलो करें, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डजंट बिलोंग टू एमिस, एंड ऑप्शन आर द क्राइंग गेम, द इजिप्टोलॉजिस्ट, आई लाइक इट हियर, एंड लास्ट ऑप्शन इज टेक ए गर्ल लाइक यू, एंड द राइट आंसर इज द क्राइंग गेम। हमारे कौन सा इसमें से वर्क है जो कि MSG से बिलोंग नहीं करता है, नॉट आपको ध्यान देना होगा। सो क्राइंग गेम जो है MSG का नहीं है, बट द एपिटोलॉजिस्ट, आई लाइक इट हियर, ठीक है, गर्ल लाइक यू, तीनों की तीनों हमारे MSG का है, ठीक है। तो द क्राइंग गेम जो है ये हमारा नॉवेल है, इट इज़ रिटन बाय जॉन ब्रेन। ओके, किसने लिखा है? जॉन ब्रेन। ओके, लेकिन बाकी के तीनों जो है ये हमारे MSG ने लिखे हैं, बट द क्राइंग गेम जो है MSG ने नहीं लिखा है, इसे जॉन ब्रेन ने लिखा है। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग यूज हिज होम टाउन एज अ सेटिंग फॉर हिज नॉवेल्स, एंड द ऑप्शन आर एलन सिरिटो, जॉन ब्रेन, मार्विन पीक, एंड लास्ट ऑप्शन इज पर्सी हॉवर्ड न्यूबाय, एंड द राइट आंसर इज जॉन ब्रेन। जॉन ब्रेन ने अपने सारे नॉवेल्स को डिसाइड किया था अपने होम टाउन में किया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लाइव लैंड्रिक हैज ए लविंग वाइफ, थ्री ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, and a perfect marriage and a nice house in a fashionable Yorkshire village, but feels that something is missing and goes on a search for adventure and excitement. Which novel of Brain deals with the above theme? तो ब्रेन जी का कौन सा नावल है जिसमें उन्होंने थीम रखा था कि क्लाइव लैंडिक जो है उनका एक प्यारी सी वाइफ है, फिर उनके तीन बच्चे हैं और अच्छा खासा घर चल रहा है, ठीक है, घर बहुत सुंदर चल रहा है, चारी छोटे जिंदगी बहुत अच्छी जा रही है, बट उन्हें फिर भी कुछ मिसिंग लग रहा है, ठीक है, जो कि एडवेंचर को ढूंढने के लिए वो क्या कर रहे हैं, बाहर ढूंढने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो थीम है उन्होंने किस में रखा था, कौन से नॉवल में रखा था, एंड द ऑप्शंस आर क्वीन ऑफ ए डिस्टेंट कंट्री, द बॉडी, वेटिंग फॉर श्रीलिया, वेटिंग विथ मी टिल मॉर्निंग, एंड द राइट आंसर इज स्टे विथ मी टिल मॉर्निंग। ओके, सो ये वाला नॉवल है जिसमें ये थीम मैंशन किया हुआ है। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who among the following was associated with angry young man movement? And the right options are John Wayne, Kingsley Amis, Henry Green, and last option is Anthony Powell. And the right answer is John Wayne. John Wayne जो थे, he was associated with angry young man movement. ठीक है, angry young man movement से कौन जुड़े हुए थे? तो John Wayne. Okay. Our next question is, in which novel of Wayne a reliable picture of angry young man with an anti-hero is presented, and the options are Living in the Present, The Contenders, Harry Up Down, The Young Visitors. The right answer is Harry On Down. So हमारा पूछा गया है वैन जी का कौन सा नॉवेल है जिसमें एक रिलायबल पिक्चर दर्शाया है उन्होंने एंग्री यंग मैन का, ठीक है, विथ एन एंटी हीरो, साथ में एंटी हीरो भी प्रेजेंट किया उन्होंने जो उसका अपोज है, ठीक है, इस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो कौन से उन्होंने नॉवल में ऐसे प्रेजेंट किया है, तो वो है हरी ऑन डाउन। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लोनलीनेस ऑफ ए लॉन्ग डिस्टेंस रनर इज ए नॉवल बाय, ऑप्शंस आर किंग्सली एमिस, एलन सिरिटो, जॉन ब्रेन, जॉन ऑसबॉर्न, एंड द राइट आंसर इज एलन सिरिटो। लोनलीनेस ऑफ ए लॉन्ग डिस्टेंस रनर जो है ये एक नॉवल है, किसने लिखा है? एलन सिरिटो ने लिखा है, ठीक है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हू अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स वर्किंग पीपल एज अ विक्टिम्स ऑफ ए सप्रेसर सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एंड कैपिटलिस्ट्स, एंड द ऑप्शन आर विलियम गॉल्डिंग, पैट्रिक व्हाइट, एलन सिरिटो, आर्थर फॉसलर, एंड द राइट आंसर इज एलन सिरिटो। इसमें 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 से जिन्हों जितने भी नॉवलिस्ट हैं किसने अपने वर्किंग पीपल को डिस्क्राइब किया है, ठीक है, एज द विक्टिम्स ऑफ ए सप्रेसर सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एंड कैपिटलिस्ट, यानी टोटली पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर किसने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है अपने नॉवल्स के थ्रू, तो वो है एलन सिरिटो, जो कि टोटली अपोज कर रहे थे सप्रेसिंग सिस्टम को, दैट इज ब्यूरोक्रेट्स और कैपिटलिस्ट सिस्टम को, ठीक है, इस सिस्टम को टोटली वो अपोज कर रहे थे, इस तरह से उन्होंने वर्किंग पीपल को डिस्क्राइब किया था अपने नॉवल्स के थ्रू, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नॉवल बाय गोल्डिंग. गोल्डिंग जी का पहला नॉवल कौन सा है. ऑप्शन आर द इनहेरिटर्स, द स्पायर, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, वी फॉल. एंड द राइट आंसर इज लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज. लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज गोल्डिंग जी का फर्स्ट नॉवल है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल्स ऑफ गोल्डिंग हैज एज इट्स सेंट्रल कैरेक्टर जैकोलिन, द एम्बिशियस डियन ऑफ एन अनेम्ड इंग्लिश कैथेड्रल. एंड ऑप्शन आर स्पायर, पिरामिड, फ्री फॉल, डार्कनेस विजिबल. एंड द राइट आंसर इज द स्पायर. इसे कौन से नॉवलिस्ट है जो मतलब हमारे गोल्डिंग जी का कौन सा स्पेशल नॉवल है जिसमें उन्होंने सेंट्रल कैरेक्टर किसको रखा था, जैकोलिन जी को रखा था. ठीक है, तो वो है स्पायर. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नॉवल बाय आर्थर कॉसलर. एंड ऑप्शन आर थीव्स इन द नाइट, द ग्लैडिएटर्स, डायलॉग विद डेथ, द ऑल गर्ल्स. एंड द राइट आंसर इज द ग्लैडिएटर्स. कौन सा हमारा आर्थर जी का कॉसलर जी का फर्स्ट नॉवल है, तो वो है द ग्लैडिएटर्स. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ द नॉवल थीव्स इन द नाइट. एंड द ऑप्शंस आर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन रोम एंड स्पेन, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन अरब्स एंड जेविश सेटलर्स इन द ब्रिटिश रूल पैलेस्टाइन. थर्ड ऑप्शन इज ए ग्रुप ऑफ एकेडमिक साइंटिस्ट स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन टेंडेंसी टुवर्ड्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन. एंड लास्ट ऑप्शन इज इट इज अबाउट कॉसलर्स फर्स्ट 26 ईयर्स ऑफ लाइफ. ओके, एंड द राइट आंसर इज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द Arabs and Jewish settlers in the British ruled Palestine. तो थीव्स इन द नाइट जो नॉवल है इसमें इसका थीम क्या था, इसमें अरब और जेविश सेटलर्स के बीच का कन्फ्लिक्ट था, झगड़ा था इन द ब्रिटिश रूल पैलेस्टाइन. ठीक है, पैलेस्टाइन में. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नॉवलिस्ट स्टार्टेड हिज करियर इन 1931 विद पब्लिकेशन ऑफ ए नॉवल आफ्टरनून मैन. किसने अपना करियर की शुरुआत आफ्टरनून मैन नॉवल से शुरुआत की थी पब्लिश करके. एंड द ऑप्शन आर मुरियल स्पैंक, एंथनी पॉवल, पैट्रिक वाइट, गोल्डिंग. एंड द राइट आंसर इज एंथनी पॉवल. एंथनी पॉवल जी ने 1931 में अपनी करियर की शुरुआत की थी आफ्टरनून मैन नॉवल से. ठीक है, इसे पब्लिश करके. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हुज फर्स्ट नॉवल द कम्फर्टर्स इज कंसर्न विथ ए वुमेन राइटर कैरोलिन रोज हैविंग टू कम टू टर्म्स विथ हर न्यू फाउंड कैथोलिसिज्म with her hallucinations and with god-like status as a creator. And the options are Muriel Spark, Iris Murdoch, Flip Hartley, Agatha Christie. And the right answer is Muriel Spark. Iska novel pehla tha jo ki the comforters. So kinka jo first novel tha wo tha Muriel Spark, jinka first novel tha the comforters. Aur wo kisse deal kar raha tha, तो कैरोलिन रोज जो कि वुमेन कैरेक्टर था उसमें. ठीक है, इसका मतलब विथ ए वुमेन राइटर कैरोलिन रोज जिसने इट हैज़ टू कम टू टर्म्स विथ हर न्यू फाउंड कैथोलिसिज्म. उसने कैथोलिक्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डील किया हुआ था. ठीक है, अपने भगवान जी के टाइप का क्रिएटर उन्होंने टोटली अपने यूज़ किया था अपने नॉवल्स में. ओके, तो वो है हमारा मिडल स्पार्क जी. ठीक है, जिनका फर्स्ट नॉवल है द कम्फर्टर्स. ओके, जिसमें उन्होंने कंसर्न किया है एक लेडी राइटर को दैट इज नेम्ड एज कैरोलिन रोज. ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आइडेंटिफाई मिडल स्पार्क्स ऑटोबायोग्राफी फ्रॉम द फॉलोइंग. एंड द ऑप्शन आर करिकुलम वाइटी, मोमेंटो मोरी, इफेरी और एन ऑनरेबल. लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. एंड द राइट आंसर इज करिकुलम वाइटी. मिडल स्पार्क जी का जो ऑटोबायोग्राफी था कौन सा था, तो वो था करिकुलम वाइटी. ओके, our next question is who out of the following is the author of philosophical studies such as the sovereignty of god and metaphysics as a guide of to morals. So ye dono jo book hai, which out of the following is the author of philosophical studies, isme ka in dono book ka author kaun hai. And the options are Emily Zola, Iris Murdoch, Maupassant and none of this. Right answer is Iris Murdoch. Iris Murdoch ji ka likha hua hai The Sovereignty of Good, that is 1917 published हुआ है. And Metaphysics as a Guide to Morals 1992 में published हुआ है. Okay, our next question is in which work of Iris Murdoch the character Austin sees himself as always as victim of other people and of his own bad luck. And the options are The Bell, The Sandcastle, The Accidental Man, Under the Net. The right answer is The Accidental Man. तो कौन से Iris Murdoch जी का work है जिसमें कैरेक्टर ऑस्टिन जी हैं. ठीक है, जिसमें उन्होंने अपने आप को देखा है, ही सीज हिमसेल्फ ऑलवेज एज अ विक्टिम ऑफ अदर पीपल एंड ऑफ हिज ओन बैड लक.
इसमें हमेशा सब लोग उनको विक्टिम बना देते हैं, वही विक्टिम बन जाते हैं, ठीक है, कोई भी एक बात होगा वो विक्टिम बन जाएंगे, प्लस उनका अपना बैड लक की वजह से, ठीक है। तो ऑस्टिन कैरेक्टर किसमें, आयरिस मर्डॉक ने कौन से नावल में यूज़ किया है, तो द एक्सीडेंटल मैन में, ठीक है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग रोट रिपल्सिव एस्पेक्ट ऑफ सिनिकल्स एडिपस फॉर ब्रुक्स द थिएटर ऑफ क्रुएल्टी एंड द ऑप्शंस आर डॉरिस लेसिंग, विलियम गोल्डिंग, टेड हुक्स एंड लास्ट ऑप्शन इज ग्राहम ग्रीन। द राइट आंसर इज डॉरिस लेसिंग। इसमें कौन सा नॉवलिस्ट है हु रोट रिपल्सिव एस्पेक्ट ऑफ सिनिकल्स एडिपस फॉर ब्रुक्स थिएटर ऑफ क्रुएल्टी। ब्रुक्स जी का जो थिएटर ऑफ क्रुएल्टी है इसके अगेंस्ट मीन्स इसके रिपल्सिव में किसने लिखा था सेनिका का सिरिपस, ओके, तो वो है डॉरिस लेसिंग ने लिखा था, ठीक है। सेनिका के सिरिपस जो है किसने लिखा था, डॉरिस लेसिंग ने, कब लिखा था, इसके रिपल्सन में लिखा था, तो थिएटर ऑफ क्रुएल्टी जो कि ब्रुक जी के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ लेसिंग कंटेन्स पावरफुल एंटी वॉर एंड एंटी सैनिस्ट मैसेजेस एंड द ऑप्शन आर द डायरी ऑफ ए गुड नेबर, लव अगेन, द फिफ्थ चाइल्ड, द गोल्डन नोटबुक एंड द राइट आंसर इज द गोल्डन नोटबुक। कौन सा इसमें से वर्क है लेसिंग जी का, ठीक है, जिसमें पावरफुल एंटी वार, टोटली वार के बारे में और एंटी स्टैनलिस्ट मैसेजेस वगैरह इसमें फिल किए हुए हैं, ठीक है, तो वो है द गोल्डन नोटबुक। इसमें टोटली वार, एंटी वार के बारे में फिर अंदर मैसेजेस वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, कैसे क्या कर सकते हैं, पावरफुल एंटी वार के बारे में टोटली डिस्क्रिप्शन किसमें दिया हुआ है, द गोल्डन नोटबुक में, ठीक है, जो कि लिखा गया है किसके द्वारा, लेसिंग जी, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्क वॉन एडना ओब्रायन द आयरिस बुक अवार्ड एंड द ऑप्शन आर अगस्त इज द विकेट माउथ, द हाई रोड, द कंट्री गर्ल्स, टाइम एंड राइट एंड द राइट आंसर इज द कंट्री गर्ल्स। एडना ओब्रायन जी का जो आयरिस बुक अवार्ड है वो कौन सा है, तो वो है कंट्री गर्ल्स, ठीक है, इस बुक की वजह से उन्हें आयरिस गुड बुक अवार्ड भी मिला था, ओके। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्क ऑफ ब्रायन इज बेस्ड ऑन ट्रू होमिसाइड एंड द ऑप्शन आर इन द फॉरेस्ट, डाउन बाय द रिवर, वाइल्ड डिसेंबर्स, द लाइट ऑफ इवनिंग। द राइट आंसर इज इन द फॉरेस्ट। ब्रायन जी का कौन सा वर्क है जो कि ट्रिपल होमिसाइड को लेकर बेसिस है, ठीक है, तो वो है इन द फॉरेस्ट, ट्रिपल होमिसाइड, होमिसाइड मीन्स मर्डर, ओके, तो ट्रिपल मर्डर, तीन टू मर्डर किसमें हुआ था, किसमें बेसिस करके ये लिखा गया था, वो कौन सा नॉवल था, तो इन द फॉरेस्ट, ठीक है, जिसमें तीन मर्डर के बारे में कहानी लिखी गई है, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who wrote the novel The Vanishing Seed? And the options are Golding, Doris Melasing, Iris Murdoch, Anthony Burgess. And the right answer is Anthony Burgess. Anthony Burgess जिन्हें Vanishing Seed लिखा है novel, ठीक है? जो Vanishing Seed जो है novel, that is written by Anthony Burgess. Okay. Our next question is: Alice and his friends encounter an old man in the alley in the novel A Clockwork Orange. How does Alex characterize the unfortunate man? And the options are he is a drunkard, he is a banker, a baseball player, and last option is he is a college professor. And the right answer is he is a drunkard. Alex and his friends encountered. Alex और उसके friends ने मिलकर एक बूढ़े आदमी को encounter किया था, ठीक है, in the alley in the novel A Clockwork Orange, इस novel में, ठीक है, इसमें Alex जी ने unfortunate उस man को, दुर्भाग्य इंसान को कैसे characterize किया, कैसे mention किया है, तो उसे दिखाया गया है कि वो एक ड्रंकर्ड है, ठीक है, ड्रंकर्ड मीन्स जो शराब पीते हैं, शराबी, ओके। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्क बाय ब्रॉफी इज लव्ड पब्लिक डिक्लेरेशन ऑन वुमेन्स राइट्स एंड द ऑप्शन आर इन ट्रांसिट, द स्नोबॉल, पुसी ऑल एंड द लास्ट ऑप्शन इज द किंग ऑफ ए रेनी कंट्री एंड द राइट आंसर इज द स्नोबॉल। ब्रॉफी जी का कौन सा नॉवल है जो कि एक लव्ड पब्लिक डिक्लेरेशन है वुमेन्स राइट्स को लेकर, ठीक है, वुमेन्स राइट्स, औरतों के लेकर जो हक होती है उसको डिक्लेयर करते हैं पब्लिक में, बहुत सुंदर से किसने लिखा है अपने नॉवल में, ब्रॉफी जी, कौन से नॉवल में, द स्नोबॉल में, ठीक है, इसमें उन्होंने टोटली वुमेन्स राइट्स को लेकर डिस्क्राइब किया है, डिक्लेयर किया है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द कंट्री गर्ल्स ट्रायलॉजी एंड द ऑप्शन आर डेविड एडगर, एडना ओब्रायन, मैरी स्टीवर्ट, लॉरेंस डोरेल एंड द राइट आंसर इज एडना ओब्रायन। किसने लिखा है द कंट्री गर्ल्स ट्रायलॉजी, तो इट इज रिटन बाय एडना ओब्रायन, ठीक है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नॉवल ऑफ ओब्रायन
presents the characterization of an Irish village woman who had an affair with a war criminal. And the options are A Scandalous Woman, Down by the River, The Little Red Chairs, The High Road. The right answer is The Little Red Chairs. वो ब्रायन जी का कौन सा नॉवेल है जिसमें उन्होंने आयरिश विलेज वुमेन के बारे में दर्शाया है, जिसका एक अफेयर चल रहा था एक क्रिमिनल के साथ, ठीक है, जो कि वार में क्रिमिनल काम कर रहा था, ठीक है। तो कौन से नॉवेल में इस तरह की कहानी उन्होंने दर्शाया है ब्रायन जी ने, तो वो है द लिटिल रेड चेयर्स। ओके, इसमें उन्होंने इस टाइप का कहानी दर्शाया है। ओके, तो हमारा इस तरह से ये वाला जो कहानी है वो ब्रायन जी का लिखा हुआ, जिसमें इन्होंने द लिटिल रेड चेयर्स थीम में मेंशन किया है एक आयरिश वुमेन को जिसका अफेयर चल रहा था एक क्रिमिनल से, ठीक है, इस तरह का थीम रखा था उसमें ब्रायन जी ने द लिटिल रेड चेयर्स में, ठीक है। हमारा आज का ये क्वेश्चन यही लास्ट क्वेश्चन है और हमारा वीडियो आज यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा क्लास पसंद आया होगा और UGC नेट के लिए इंपॉर्टेंट लगा, देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।